तारीख है 20 फरवरी। बात है साल 17 जनवरी 1941 की आधी रात की, जब कलकत्ता के एल्गिन रोड पर अपने पुश्तैनी मकान में नजरबंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देने वाले थे। उनके इस मिशन द ग्रेट एस्केप की योजना बहुत पहले ही बन चुकी थी। घर में नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। उस रात उन्होंने अपने तन पर भूरे रंग का एक लंबा सा कोट व लंबा चौड़ा पजामा चढ़ाया, एक पठान का रूप धरा और देर रात अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से अंग्रेजों के कड़े पहरे को चकमा देकर नजरबंदी से बाहर निकल पाने में कामयाब रहे। शिशिर को जिस शख्स ने इस चक्रव्यूह को भेदने की कला सिखाई थी वह थे शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से 8 साल बड़े उनके भाई। आज उनकी पुण्यतिथि है। शरद चंद्र बोस का जन्म 6 सितंबर 1889 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और फिर 1911 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। पेशेवर लिहाज से वह लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, पर स्वाधीनता की अलग सुन वह आंदोलन में शामिल होना शुरू हो गए। इसके बाद से तो देश और आजादी ही उनके लिए सब कुछ होकर रह गई। शरद चंद्र बोस महान कांग्रेस नेता चित्तरंजन दास से बेहद प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी वह उनके प्रभाव में ही शामिल हुए। बोस ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर उनकी प्रतिबद्धता और लोकप्रियता का आलम ये रहा कि कुछ ही दिनों में उनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर के नेता के तौर पर शुमार होने लगा। उन्हें साल 1936 में बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे 1936 से 1947 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे। शरद चंद्र बोस केंद्रीय विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वहीं साल 1946 में उन्हें अंतरिम सरकार में खान और ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। इसी दौरान उन्होंने भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी। सुभाष चंद्र की मृत्यु के बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उन्होंने साल 1947 में विभाजन के खिलाफ जोरदार विरोध किया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से इस्तीफा दे दिया। आज के ही दिन 20 फरवरी 1950 को शरद चंद्र बोस का कोलकाता में निधन हो गया। दुनिया को अलविदा कहने से पहले देश के इस महान सपूत ने राष्ट्र प्रेम के साथ नैतिक शपथ का जो कलजयी सुलेख रचा वह देश और समाज के सामने आज भी सबक और मिसाल की सांझी इबारत की तरह है। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 20 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1835 में स्टूडेंट्स के एडमिशन के साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। साल 1962 में जॉन एच गैलन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। वही साल 1976 में भारतीय क्रिकेटर रोहन गावस्कर का जन्म हुआ था। साथ ही साल 1983 में असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। साल 1946 में सोवियत संघ ने मीर अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च किया। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र था। वहीं 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। आज के ही दिन साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।